नम ओं विष्णुपादा कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदातस्वामीनिनामे नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनिनंदीअद्वैतधर श्रीवासदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे

तो अब तक भगवान ने हमें उनके दिव्य जन्म उनके दिव्य कर्म के बारे में समझाया है नाइन्थ कृष्णा जन्म कर्म चमे में दिव्यम एवं यो वे तत्व त्यक्वादेहमजन्म नईती माँ सो सुजुना जब हम भगवान के जन्म भगवान के कर्म और भगवान के उपदेशों को उपदेश जो है दिव्य है वो पारमार्थिक है आध्यात्मिक है इट ट्रांसेंडेंटल इनको हम तत्वतः वास्तव में समझने का कोशिश करेंगे इफ अंडरस्टैंड देम इन ट्रूथ देन कृष्णा सेस दैट आफ्टर लिविंग दिस बॉडी हमें शरीर त्यागने के बाद फिर से जन्म लेना जन की जरूरत नहीं पड़ेगा हमें भगवत धाम हम पहुंचाएंगे दिस इज द बेनिफिट विच कृष्णा हैज

श्लोक so, अच्छा है जो भगवान इधर बता रहे हैं किस तरीके से हम भगवान के शरण में आ सकते हैं भगवान के दिव्य प्रेम प्राप्त कर सकते हैं मद भाव ये शब्द भगवान प्रयोजन कर रहे हैं प्रयोग कर रहे हैं इधर क्योंकि पिछले श्लोक में नाइन्थ वर्ष में भगवान ने बताया था कि त्यक्वादेह पुनर्जन्म नहीं थी केवल भगवान को जानने से हम भगवत धाम चले जाएंगे बहुत आसान तरीका है भगवान के जानने तक ही ये बात जो है भगवान को जानने के बाद क्या होगा जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कुछ उनको उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे उनके बारे में कुछ और पता, पता, पता करेंगे तो उसके प्रति हमारा सम्मान बढ़ेगा हमारा आदर बढ़ेगा हमारा प्रेम बढ़ेगा तो ये बात इधर भगवान बल, बोल रहे हैं क्योंकि भगवान के बारे में वास्तव जानना है फॉर्मैलिटी लाइक वी नो सो मेनी थिंग्स इन द मटीरियल वर्ल्ड रीड न्यूज पेपर एवरी डे हमें जो न्यूज पेपर पढ़ना जैसा ऐसा नहीं होना है बात हमारा जो भगवान के जानने का बात जो है ये एक स्पेशल विषय है जो इधर भगवान इधर समझा रहे हैं हमको तो कृष्णा इज टेलिंग अस वेरी नाइसली दैट इन ऑर्डर टू अटेन टू दिस स्टेज ऑफ रीचिंग कृष्ण लोका भगवत धाम जाने का हमारा जो जो ध्येय है और भगवत धाम जाने से पहले हमें भगवान के प्रति हमारे भगवान का भगवत प्रेम जागृत होना है तो हाउ टू डेवलप लव फॉर कृष्णा मदभावम हां दैट कृष्णा इज टेलिंग अस हियर किस तरीके से भगवत प्रेम जागृत करना है भगवान समझा रहे हैं हमें अपने uh, राग भय द्वेष से मुक्त होना है वीत राग भय क्रोधा बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंड एंगर बीइंग फुल्ली अब्सॉर्ब्ड इन मी पूरे मन जो है भगवान में हमारा संपूर्ण तरीके से मग्न हो जाना है uh, और Uh, भगवान भगवान से हमारा मन मग्न हो गया हमारे मन हा? उसके बाद क्या हुआ भगवान का संपूर्ण आश्रय लेना है श्लोक जो, जो में बहुत अच्छा अच्छा जो शब्द भगवान कर रहे हैं लेट अस अंडरस्टैंड वेरी केयरफुलिसोध बी फ्री फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंड एंगर बींग फुल्ली अब्सॉर्ब्ड इन मी मन मया उपासिता टेकिंग रेफ्यूज इन मी बहवो ज्ञान तपसा इस तरीके से जब एक व्यक्ति अपना भौतिक अटैचमेंट से राज से मुक्त हो जाएगा भौतिक भय से मुक्त हो जाएगा भौतिक क्रोध से मुक्त हो जाएगा तो भगवान के संपूर्ण आश्रय में आ जाएगा भगवान भगवान के सदैव स्मरण में अपना मन रखेगा तो बहुत सारे लोग बहुत सारे जो ऐसे व्यक्ति वो ज्ञान तपसा हुँ? वो सारे लोग इस तरीके का तपस्या करके भगवान का ज्ञान उन्होंने अर्जन किया भगवान का प्रति उनका प्रेम भावना बढ़ा तो भगवान बोलते हैं इस तरीके से वो मदभाव पूता मदभावम आ जाता है तो संपूर्ण तरीके से वो प्यूरिफाई हो गए प्यिफाइड दे ऑल अटेन्ड ियलीफेक्टेड me. प्रेम, प्रेम. टू person personal nature of द supreme absolute truth पिछले श्लोको में हमने समझा है कि भगवान का जो दिव्य गुण है भगवान का जन्म जो है भगवान का कार्यकलाप है लीला है वो साधारण तरीके से हम समझ नहीं पाएंगे साधारण यानी कि जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है वो भगवान का दिव्यत्व जानने का नहीं हो पाता है तो, तो भगवान ये भी बोलते हैं नौ नाइन्थ वर्ष में कि केवल उनका बारे में जान लिया तो अब हम शुद्ध हो जाएंगे और ये जानने का बात जो है बात है वास्त, वहाँ। हा। वास्तव भगवान बोलते तत्वतः फैक्चुअली वास्तव तरीके से जानने का बात है हम वर्ष नंबर थ्री को रेफर करेंगे इसी अध्याय का फोर्थ चैप्टर का तो भगवान ये भी बोलते हैं कि ना, अर्जुन को भगवान ने क्यों सेलेक्ट किया एक आ, आ, भगवत गीता को फिर से रिसीव करने के लिए क्योंकि अर्जुन भक्तों से में सखा चेती अर्जुन इज ए भक्त एंड इज ए सखा रीजन भगवान हैज अर्जुना क्वालिफिकेशन okay? so सिंपली भगवत गीता का जो रीडिंग करना है भगवत का रीडिंग करना है हम भगवान को जान लेंगे ऐसा बात नहीं है ये जानने का जो बात है ये वास्तव तरीके से जानना है ठीक से जानना है पूरा यू रीड और नो इमोशन उसी तरीके से जब तक हमारा भौतिक राग भौतिक तरीके का जो इमोशंस हमारे मन में रहेगा भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत नहीं होगा दैट इज व्हिच कृष्णा सो डेफिनेटली Uh, जो है हमारे मेटीरियली uh, हमारा अफेक्शन रहेगा ज्यादा भौतिक अफेक्शन हमारा ज्यादा रहेगा तो भगवान के व्यक्तिगत जो स्वभाव है आध्यात्मिक स्वभाव है उन उस, उससे हम अवगत नहीं हो सकते उसे जानने का होगा नहीं द पॉइंट जनरली पीपल हु आर अटैच टू द बॉडीली कंसेप्शन ऑफ ऑफ लाइफ आर सो ऑब्जॉर्व इन मेटीरियलिज्म

बच्चे हैं मेरे रिलेटिव हैं मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे सोसाइटी है इस तरीके का जो विचार धारा बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ बुद्धि बोलते हैं इसको जब तक हमारा मन देहात्म बुद्धि के विचार में मग्न है यानी कि भौतिकवाद में मग्न है उस दिशा में उस दशा में हम भगवान के आध्यात्मिक स्वभाव लॉर्ड्स ट्रांसेंडेंटल नेचर और यहां तक कि भगवान यहां बोलते हैं कि आत्मा माया भगवान अपने आध्यात्मिक शरीर में स्वयं इधर अवतरित होते हैं और आध्यात्मिक शरीर यानी कि सच्चिदानंद सचिद जी समझा रहे हैं इधर प्रभु जी परपट में कि वो इम्पेरिशेबल यानी कि इटरनल सत इधर भौतिक दुनिया में हम देखते हैं कोई भी चीज जो है वो शाश्वत नहीं है जो नेचर uh, है वो हम अलग तरीके से इसको uh, इधर व्यक्त करने का हम कोशिश कर रहे हैं इम्पेरिशेबल नेचर हम जो 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 करते हैं कार्य उसमें परमानेंसी देखना चाहते हैं है ना सत विकॉज द मटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइन इन सच ए वे that यू नॉट एक्सपीरियंस द परमानेंसी स्पिरिट सोल्स spirit हम आ, आत्मा बनने के नाते हमारे आध्यात्मिक जो स्वभाव क्या है वो सत स्वभाव है सत यानी कि शाश्वत स्वभाव असतोम सदगमया वेद, वेद वेदों में बोलते हैं कि हमें इस अशाश्वत जगत से शाश्वत जगत को पहुंच पहुंचना है अशाश्वत यानी कि ये टेम्पोररी जगह है भगवान भी गीता में आगे बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम सत्य तो वास्तव में भगवान का जो शरीर है आध्यात्मिक दिव्य शरीर है वो शाश्वत शरीर है वो हमारे शरीर जैसा मृत्यु का जो अनुभव नहीं करेगा इट इज बॉडी स्पिरिचुअल बॉडी इवन वी स्पिरिट आर इटर्नल भगवान बोलते हैं, न जायते न वा we also don't die, but what वी dying is डाई बट And इज डाइंग इज of बॉडी फुल ऑफ नॉलेज means

इट इज अचित असत निरानंद भौतिक प्रकृति में हम क्या अनुभव कर रहे हैं अशा, अशाश्वत जगत का अनुभव कर रहे हैं इधर अज्ञान का जगत अनुभव कर रहे हैं और निरानंद यानी कि दुखालय का अनुभव कर रहे हैं इट इज द पॉइंट भगवान का जो दिव्य शरीर है ट्रांसेंटल बॉडी है वो सच्चिदानंदा है ये बात हमें समझना है जब तक हम भौतिक देहात्म बुद्धि में रहेंगे ये बात हमें समझ में नहीं आएगा ये बात रोपा जी बोल रोहबाजी इन द द बॉडी इज पेरिशेबल फुल ऑफ इग्नोरेंस एंड कंप्लीटली मिजरेबल ये बात हमने अभी बात कर लिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है भौतिक दुनिया में भौतिक संसार में हमारा जो जीवन चल रहा है उसमें हमारा शरीर जो है वो अशाश्वत है यानी कि विनाश हो जाएगा इसका पूरा अज्ञान से भरा हुआ है और बहुत दुखमय जीवन हम बिता रहे हैं देर फोर पीपल इन जनरल कीप द सेम बॉडी आइडिया इन माइंड वेन दे आर इन ऑफ द पर्सनल फॉर्म ऑफ जब भौतिक दृष्टिकोण से जब लोगों को बताया जाएगा वो भगवान जो है वो साधारण नहीं है उनका शरीर सच्चिदानंदा है जब यह हम ये बोलते हैं उनका माइंड में तो भौतिक आइडिया है बॉडीली सेम सेम बॉडीली आइडिया है शरीर का जो देहात्म बुद्धि है उनका तो जब हम उनको इन्फॉर्म करते हैं बोलते हैं कि भगवान आध्यात्मिक है, उनका जो शरीर आध्यात्मिक है तो वो समझ नहीं पाते है ना उनको वो सभी अपने दृष्टिकोण से सब कुछ देखते हैं मापते हैं जैसे प्रभुभा जी हमें एक सुंदर कहानी बोलते हैं डॉक्टर फ्रॉग का डॉक्टर फ्रॉग अपने छोटा सा कुएं में कुएं में जो उनका जीवन हुआ था जो मेंढक तो कुएं का मेंढक जो है अपने कुए में जन्म हुआ उसी में पूरा वास कर रहा है एक दिन समुंदर का मेंढक आके उसमें गिर गया और समुंदर और मेंढक और इस ये जो कुए का मेंढक में दोनों में वार्तालाप चल रहा है तो मेंढक ने पूछा था, फ्रॉग इन इज आस्किंग तुम कहां से आए हो मैं समुन्दर से आया हूं तो समुन्दर ये क्या समुंदर क्या है इस कुएं का मेंढक को समुंदर के बारे में कुछ पता नहीं था कुछ ज्ञान नहीं था समुंदर समुद्र तो बहुत बड़ा जो विशाल अगाध सागर है इतना सारा पानी है उसमें तो ये कुए का मेंढक ने पूछने लगा मेरे कुएं से बड़ा है क्या ये क्या बोल रहे हो हाँ, तो समुन्द्र बोलने लगे क्या बोल रहे हो तुम इसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। समुद्र जो इतना बड़ा है बहुत बड़ा है तुम्हारा कुएं तो बहुत छोटा है तो समुन्द्र ये कुएं का मंडक और बहुत लगा नहीं, नहीं, नहीं कुछ बीतना और बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि इसका मेरा इसी में मेरा जन्म हुआ इसी में मेरा पूरा जो लाइफ चल रहा है इसका तो मैक्सिमम दो बार बड़ा होगा चलो तो तीन बार दिन गुना बना बड़ा होगा ये तुम्हारा तो समुन्दर तो फिर से जोर से हंसने लगा ये समुन्दर का मेंढक नहीं 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 तो कितना बड़ा है तो इसको कंपेरिजन नहीं कर सकते देखिए ये होता है प्रोपा बोल रहे हैं पीपल इन जनरल कीप दिस सेम बॉडी लाइ आइडिया इन माइंड व्हेन द इनफाउंड ऑफ पर्सनल फॉर्म ऑफ द लॉर्ड हम जब बताएंगे कि लोगों को भगवान भगवान कृष्ण जो है वो अगाध ज्ञान का अगाध सौंदर्य का अगाध जो शक्ति का अगाध संपत्ति का सभी जो भगवान बोलते हैं इधर इस 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 भगवत गीता के दसवें अध्याय में विभूति का विभूति योग है एक अध्याय है जो भगवान बोलते हैं दुनिया के सब चीजें जो देखते हैं पूरा ब्रह्मांड में अलग अलग बढ़िया चीज भगवान बोलते हैं वो मेरा शक्ति का प्रदर्शन है तो जब हम कोई किसी को बोलेंगे कि भगवान ऐसा व्यक्ति है जिनमें सभी तरीके के गुण हैं सभी शक्तियां हैं सभी ज्ञान है तो लोग उसको मानते नहीं वो सब अपने हिसाब से मापते हैं उनको स्टार्ट जजिंग कृष्णा ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देम दिस इज बिकॉज देयर बॉडीली दी कंसेप्ट ऑफ लाइफ उनका देहात्म बुद्धि का जो विचार से भगवान को ही अपने तरीके से वो मापने लगते हैं फॉर सच मेटीरियलिस्टिक मैन दम ऑफ दियलिस्टेशन इज सुप्रीम ऐसे लोगों को ना केवल इस भौतिक संसार का जो सृष्टि है वो वही सब कुछ बड़ा उनको समझ में आता है कोई व्यक्ति इस तरीके से सर्वश्रेष्ठ हो सकता है उसके ऊपर जो कंट्रोल कर सकता है उनका विचार में ऐसा आ नहीं सकता है क्योंकि वो देहात्म बुद्धि में है वो सोचते हैं कि मेरा शरीर तो ये सब कुछ नहीं कर सकता है तो भगवान के शरीर ये सब कुछ नहीं करेगा भगवान ऐसा व्यक्ति है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है कि वो केवल अपना बॉडीली कंसेप्शन को भगवान पर डाल रहे हैं कॉनसिक्वेंटली दे कंसीडर सुप्रीम टू बी इंपर्सनल जैसे हमारा एक शरीर है हमारा एक रूप है तो वो सोचेंगे कि आध्यात्मिक यानी कि उसका स्वरूप नहीं होना है उसका रूप नहीं है उसका वो निराकार होना है देखिए रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है ना एंड बिकॉज़ दे आर टू मटेरियली अब्सॉर्ब्ड कंसेप्शन ऑफ रिटेनिंग द पर्सनैलिटी ऑफ द लिबरेशन फ्रॉम मैटर फ्राइट भगवान हमें ये समझा रहे हैं कि किस तरीके से हमारा राग और भय होता है हम भौतिक संसार में इतना अटैच है इतना हमारा बहुत सारे जो अटैचमेंट है राग है भौतिक चीजों के प्रति कि हम हर चीज को अपरा भौतिक अटैचमेंट के दृष्टिकोण से देखते हैं प्रोपा जी हमें एक सुंदर उदाहरण देते हैं किसी को जॉन्डिस हुआ है तो जॉन्डिस का व्यक्ति को सब कुछ जो है येलो येलो दिखता है पीला लगता है सब कुछ ना? लाइक दिस पीपल विद दैट डिजीज मेटेरियल डिजीज भौतिक जो रोग है भवर रोग है उनको सब कुछ ऐसा लगता है कि ये सब कुछ भौतिक चीजें हैं। भगवान भी आएंगे सामने वो देनाइज लॉर्ड कृष्ण ऑल्सो दैट इज द पॉइंट और उनका भौतिक संसार का प्रति उनका इतना आकर्षण है इतना राग है कि जब बोलेंगे कि इस शरीर को छोड़ने के बाद हम भगवत धाम जा सकते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि हाँ यानी कि अभी मुझे एक रूप नहीं रहेगा मेरा निराकार रूप रहेगा उनको बहुत डर लगता है अभी इस रूप में उनका एक तरीके का अनुभव है मेटेरियल वर्ल्ड में तो आ, वो सोच रहे हैं वो सोचते हैं कि ये जो क्योंकि uh, उनका आध्यात्मिक अनुभव क्या है आध्यात्मिक का जो उनका कंसेप्शन क्या है दे थिंक दैट मटेरियल फॉर्म इज फुल ऑफ मिजरीज एंड देन इफ यू कंटिन्यू विद द मटेरियल फॉर्म मींस अ फॉर्म मींस अगेन मिजरीज कंटिन्यूइंग लेट अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट क्लियरली भौतिक दुनिया में राग से राग अटैचमेंट I mean, से उनका इतना अनुभव है कि हर समय दुख दुख जो का जो अनुभव कर रहे हैं जरा व्याधि का अनुभव कर रहे हैं बहुत सारे जो दुख अभी तो कोरोना का इतना सारा जो चल रहा है पेनफुल इट वेरी पेनफुल फॉर द बॉडी वो सोचते हैं कि कोई भी शरीर है तो हमें दुख का अनुभव करना है दिस दे थिंक उनको लिबरेशन होने के बाद भी मुक्ति होने के बाद भी हमारा एक रूप रहेगा ये सोचकर उनको बहुत भय लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन नॉट अकोमोडेट कृष्णास हैविंग अ फॉर्म गॉड हैविंग अ फॉर्म भगवान को एक स्वरूप है वो समझ नहीं सकते हैं और हमारा भी एक स्वरूप होगा मुक्ति के बाद ये बात बोलेंगे तो और भय लगता है उनको शॉर्ट एक्सप्लेनिंग अटैचमेंट यार अफ्रेड फ्राइटनड

जिनको निराकारवादी बोलते हैं जो सोचते हैं कि अभी हमारा एक रूप है शरीर है इसलिए हम इतना सारा जो आ, मुश्किल आ, सामना कर रहे हैं इतना सारा दुख अनुभव कर रहे हैं जब हमारा मुक्ति हो जाएगा इस, इस फिर से रूप आएगा तो फिर से दुख का अनुभव करना पड़ेगा तो हमारा आध्यात्मिक मुक्ति यानी कि हमारा कुछ स्वरूप नहीं है ना हमारा कुछ आकार नहीं है हम निरा हम निराकार में लीन हो जाएंगे ऐसा उनका सोच है एक गलत सोच है वास्तव में गीता में भगवान बोलते हैं त्यक्तवाद पुनर्जन्म नहीं थी यानी कि शरीर छोड़ने के बाद हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा हम आध्यात्मिक प्रवेश करेंगे अपना आध्यात्मिक शरीर में सब ये सब कुछ एक कल्पना है एक इमेजिनेशन है स्पेक्युलेशन है जनरली कंपेयर द लिविंग एंटिटीज टू द बबल्स ऑफ द ओशन विच मर्ज इन द ओशन ये मायावादी तत्व है मायावादी ऐसे बोलते हैं मायावादी एक तरीके का स्पिरिच एक आध्यात्मिकवादी है जो अंतिम में वो उनका निर्णय क्या है कि भगवान परम सत्य जो है वो निराकार है उनका आकार नहीं है भगवत में ऐसा कोई जो फिलॉसफी नहीं है भगवत का फिलोसफी बहुत स्पष्ट है भगवत का में भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि हमारा आकार शाश्वत है वी आर इटर्नली इंडिविजुअल्स शाश्वत तरीके का शाश्वत तरीके से हम अपना अस्तित्व रखते हैं भगवान भी शाश्वत तरीके से अपना अस्तित्व रखते हैं नित्यो उपनिषद में बोलते हैं तो ये जो ऐसे एग्जाम्पल देते हैं उदाहरण देते हैं जैसे समुन्द्र में बहुत सारे बबल्स रहते हैं आते हैं तो अः समुंदर में फिर से वो मर्ज हो जाते हैं ऐसा एग्जाम्पल देते हैं हम बबुल्स थोड़ी हैं हम तो जीवात्मा हैं हमारा जो शक्ति ऐसा है कि जैसे भगवान थर, थर्ड चैप्टर में भगवान ने समझाया क्या समझाया भगवान ने हा? कि हर क्षण हम हमेशा कार्यगत रहते हैं नहीं कश्चित क्षण कर्म कृत कार्य ते आवश्यक कर्म सर्व प्रकृति नॉट इवन ए मोमेंट वी विदाउट एनी एक्टिविटी भगवान बोलते हैं थर्ड चैप्टर में हर क्षण हम हमेशा कार्यगत रहते हैं तो मायावादी का निराकारवादी का ये सोचते हैं कि अंतिम हमारा जो लक्ष्य है निराकार ब्राह्मण में लीन हो जाना निराकार ब्राह्मण तो भगवान का एक एक अभिव्यक्ति है इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा एज इनपर्सनल ब्रह्म ज्योति दट इज नॉट द फाइनल मायावादी इज द फाइनल ठीक है तो ये सब बात हमें समझना है दट इज दाइएस्ट परफेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल एक्सिस्टेंस अटेनेबल विदाउट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी मायावादी का तत्व है दिस इज अइंड ऑफ एफ लाइफ डिवर्ड ऑफ परफेक्ट नॉलेज ऑफ स्पिरचुअल एक्सिस्टेंस ये बात वास्तव में समझा रहे हैं इस तरीके का जो भयभीत तरीके का जो जो ज्ञान है उनको आकार के बारे में बहुत भय है। तो सोचते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद फिर से मुझे एक और आकार मिलेगा नहीं नहीं हम तो निराकार हैं। ऐसा सोचते हैं तो उनका ज्ञान अपूर्ण है नॉलेज इज इम्परफेक्ट

ये जो पाथ है ये जो जो विधि है वो तो कष्टदायक है निराकार का जो रियलाइजेशन करना फिर भी कुछ लोग हैं जो ठीक से उनका ज्ञान नहीं है तो इस तरीके से वो भटक जाते हैं फर्दर मोर आर मेनी नॉट अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस एट ऑल वो सारे ऐसे लोग हैं प्रोपा जी इधर हमें अच्छे तरीके से समझा रहे हैं किस तरीके के लोग हैं समाज में कुछ लोग हैं जो निराकारवादी हैं कुछ लोग हैं जो भौतिकवादी हैं कुछ लोग हैं जो Uh, uh, जो आध्यात्मिक अस्तित्व का कुछ उनके समझ में भी नहीं आएगा नहीं कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा उनके पास बाइ सो मेनी थियरीज एंड बाई कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फिलोसॉफिकल स्पेुलेशन दे बिकम डिस और एंग्री एंड कंक्लूडेड फुलर इज नो सुप्रीम कॉज बट एवरीथिंग इज अल्टीमेटली वॉइड ये तीसरे तरीके का जो लोग हैं uh, जो इतने सारे जो फिलोसफी सुन लेते हैं इतने सारे दर्शन शास्त्र पढ़ लेते हैं, इतना कंफ्यूज रहते हैं कि बहुत है सारे जो फिलोसफी uh, सुन लेते हैं बहुत सारा जो इधर किया आध्यात्मिक uh, जो कार्य किया हमने ये किया वो किया बोल के कि, इतना सारे जो कंफ्यूज रहते हैं पूरा माइंड में उनको क्या कर रहे हैं पता नहीं चलता है तो अल्टीमेटली वो सोचते हैं जैसे बोलते हैं, दे बिकम और एंग्री एंड इज नो सुप्रीम कॉज इतना कन्फ्यूज हो जाते हैं कि बोलते हैं कि वास्तव में कुछ नहीं है कोई भगवान नहीं है वो तो केवल एक शक्ति है ऐसे कुछ बोल के वो वो गुस्सा हो जाते हैं क्रोध हो जाते हैं क्रोध हो जाते हैं और सब कुछ बोलते हैं वास्तव में निरा शून्य है द तत्व है पीपल से दिट्स बिकम इज इंप्लीटली वॉय तो निराकार और शून्यवाद निराकार तो प्रभुपाद जी वास्तव में उनका जो प्रणाम मंत्र है उसमें क्या बोलते हैं निर्विशेषा शून्यवादी देश पात नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण प्रभुपाद जी ये निर्विशेषवाद यानी कि निराकारवाद और शून्यवाद इसको चैलेंज किया उन्होंने जब भी वो अपने लेक्चर देते थे प्रवचन देते थे जब भी वो बुक्स लिखते थे किसी के साथ वार्तालाप करते थे प्रभुपा जी इसके बारे में पूरा तरीके से वो चैलेंज करते थे क्योंकि अभी आजकल की दुनिया में लोग पूरा जो संसार में लोगों का यही विचार है निराकारवाद और शून्यवाद निराकारवाद यानी कि विशेषता नहीं है आध्यात्मिक लोग यानी कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स नो वेरायटी उसमें भगवान उनका आकार नहीं है वो निराकार है ऐसा विचार ये तो गलत है और दूसरा ये शरीर निकलने के बाद ये शरीर सब कुछ नष्ट होने के बाद जो रहेगा वो पूरा शून्य है कुछ नहीं है ये भी गलत क्योंकि हमारा जीवन अभी चल रहा है हमारे बहुत सारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर इस जन्म में क्यों कर्म करेंगे वो हमारे आगे नेक्स्ट जीवन को निर्धारित करेगा इट डिसाइड ऑन आवर नेक्स्ट लाइफ राइट सो वेरी

निराकारवाद शून्यवाद ये सब कुछ वास्तव में एक तरीके का बीमारी का स्थिति है डिजीज कंडीशन क्योंकि हमारा वास्तव स्थिति क्या है आध्यात्मिक स्थिति भगवान के नित्य सेवक बनकर रहना ये बीमारी का स्थिति जो है क्या है बीमारी का स्थिति हम भगवान का नित्य सेवक नहीं है हम वो है हम ये है हम निराकार है हम हम शून्य है हम भौतिकवादी भो, है ऐसा जो विचार है Some people are too materially attached and therefore do not give attention to spiritual life. Some of them want to merge with the supreme spiritual cause, and some of them disbelieve in everything, being angry at all sorts of spiritual speculation out of hopelessness. This last class of men take to the shelter of some kind of intoxication, and their affective hallucinations are sometimes accepted as spiritual vision. प्रवचन जी फिर से हमें समराइज कर रहे हैं सारांश बता रहे हैं कि किस तरीके का लोग है इस भौतिक संसार में जो अलग-अलग तरीके का फिलॉसफी अप्लाई करके अलग-अलग तरीके का जो विचारधारा उनके माइंड में है ना कंफ्यूजन कंफ्यूज हो गए हैं एक तो क्लास एक तरीके का जो लोग हैं मैटेरियली अटैच्ड भौतिक संसार के प्रति उनका बहुत अटैचमेंट है आकर्षण है उनका राग हर चीज में इतना इतना अच्छा से वो भौतिक जीवन चलाना चाहते हैं अपने शरीर के प्रति उनका आकर्षण है अपने परिवार के प्रति आकर्षण है इस तरीके से वो जीवन चलाते हैं कॉल्ड इसलिए उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में राइट भागवत में बोलते हैं भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्य हम भक्ति आध्यात्मिक जीवन तभी शु... उसका शुरुआत कर सकते हैं जब हमारा भौतिक आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाएगा वैराग्य विद्या होगा तो ये एक क्लास, ओन टाइप येस्ट प्रेजेंटली मोस्ट पीपल आर पीपल आर नो अंडरस्टैंडिंग अबाउटी भौतिक दुनिया में इतना सारा जो दुख है इतना सारा हो रहा है इधर छोड़ के हमें निराकार बन जाना है निराकार में लीन हो जाना है उधर तो पे आनंद ब्रह्मानंद मिलेगा दिस वन वन टाइप टाइप ऑफ ऑफ मोर पीपल दे आर कॉल्ड और और कुछ लोग हैं जैसे हमने अभी अभी उसको उनके बारे में चर्चा किया वो कुछ भी फिलोसफी उनको माइंड में जाता नहीं है सब कुछ सुन के ये ठीक है ये अच्छा नहीं है ये अच्छा ऐसे बोल के पूरा उनको कन्फ्यूज होकर सब कुछ छोड़ देते हैं और सभी तरीके की जो फिलोसफीज से उनको इतना अंदर में गुस्सा है कि सब कुछ छोड़ के फैलने वो बोलते हैं सब कुछ शून्य है नहीं? तो इस तरीके के लोग जो हैं विशेषकर जो लास्ट वेराइटी के लोग हैं जो सब कुछ मानते नहीं है अपने दिमाग में कैसे आया जो चलेगा ऐसे सोचते हैं ऐसे जो लोग थे हिपीस लोग थे नाइनटीन में जब प्रोपा जी अमेरिका गए तो हिपीस ऐसे ही सोच रहे थे बहुत सारा फिलोसफी सुन लिया बहुत सारा कन्फ्यूजन जो हो गया माइंड में तो ऐसे लोग हैं तो इस तरीके के लोग जो है वो एक तरीके का नशे का शिकार बन जाते हैं और नशे में वो सोचने लगते हैं कि जो माइंड में अलग तरीके का जो विचार आते हैं इस तरीके का जो इमेजिनेशन आता है वो सोचते हैं हाँ ये सब कुछ आध्यात्मिक अनुभव है जी उसी का जो बैकग्राउंड में यह लिख रहे हैं क्योंकि तो अमेरिका में नाइनटीन सिक्सटीज में ये सब हो रहा था नहीं? जो हिपीस थे वो ड्रग्स ले रहे थे और सोच रहे थे कि ड्रग्स लेने से मुझे आध्यात्मिक अनुभव होगा शास्त्र में ऐसे कभी कोई नहीं कहीं भी ऐसा कुछ इसका उल्लेख नहीं है बल्कि शास्त्र में बोलते हैं हां, हम मादक द्रव्य सेवन से ड्रग्स लेने से लेने से और हमारा आध्यात्मिक जीवन का कुछ भी प्रारंभ नहीं हो सकता है बल्कि हम भौतिक जीवन में और बंधन में आ जाएंगे चार नियंत्रित बोलते हैं फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नो मीट ईटिंग मांसाहार नहीं करना जुआ नहीं खेलना नो no गैमलिंग और नो no इंटॉक्सिकेट्स

one has to get rid of all three stages of attachment to the material world negligence of spiritual life fear of spiritual personal identity and the concepts of conception of void that underlies the frustration of life vishesh ke prabhu ji bol rahe hain that hame teen tarike ka jo इस भौतिक संसार से हमारा राग है attachment है उससे दूर रहना है पहला है भौतिक आध्यात्मिक जीवन के प्रति हमारा इतना जो है negligence हम चाहते नहीं कि आध्यात्मिक जीवन करें इंटरेस्ट नहीं रखना ये अच्छा नहीं है दूसरा कि हमारा अभी आकार है हमारा एक स्वरूप है इस स्वरूप हम आ, स्वरूप के कारण हम बहुत सारे दुख झेल रहे हैं अभी जब आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा हमारा आध्यात्मिक मुक्ति हो जाएगा तो हमारा स्वरूप जो है ये निकाल के हम निराकार बन जाएंगे ये बात द कंसेप्शन ऑफ गिविंग अ पर्सनल आइडेंटिटी जो भय है ये हमें छोड़ना है और तीसरा कंसेप्शन ऑफ वॉइड अंडरलाइज द फ्रस्ट्रेशन ऑफ लाइफ सब कुछ ठीक नहीं है ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है सब कुछ नकारना पूरा दुनिया संसार में और सब कुछ शून्य है ये विचार ये भी गलत है यानी कि वीत राग भय क्रोधा प्रभोपा जी इन तीन शब्दों का अच्छे तरीके से इधर हमें व्याख्या कर रहे हैं

फर्स्ट प्रॉब्लमेंट टू मेटीरियल इंटरेस्ट नहीं है जब हम लोगों से मिलते हैं बोलते हैं कि वाई डोंड हरे कृष्णा वाई डोंट यू रीड भगवदगीता नो इंटरेस्ट बिकॉजोड इन मेटीरियल थिंग्स मोस्टली पीपल आर दिस कैटेगरी अटैचमेंट टू मेटीरियल वर्ड राग और कुछ लोग हैं जो इस भौतिक संसार से इतना उनको लग रहा है कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं भौतिक जीवन का दुखा लाश्वत का वो सोच रहे हैं एक और उनका विचार क्या है इमेजिनेशन क्या है कि आई आई एम एम हैविंग अ फॉर्म दैट्स व्हाई सफरिंग राइट नाउ मुझे एक आकार है स्वरूप है इसलिए मेरा इतना सारा दुख मुझे झेलना पड़ रहा है मुझे आध्यात्मिक अनुभव करना है आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि पूरा निराकार तत्व है ऐसा उनका इमेजिनेशन है उससे भी हमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो संसार में उनको निराकारवादी बोलते हैं मायावादी लोग बोलते हैं और तीसरा जैसे प्रभुपा जी बोलते हैं कि शून्यवाद कुछ नहीं है वास्तव में कुछ नहीं है भगवान नहीं है हम नहीं है सब कुछ नष्ट हो जाएगा सब कुछ जब हमारा शरीर निकलेगा तो ये इनको शून्यवादी बोलते हैं बुद्ध बुद्ध के तत्व जो फॉलो करते हैं तो प्रभुपा जी बोलते हैं इन तीन तरीके के जो स्टेजेस हैं इससे बच के रहने के लिए ठीक है ये सब कुछ ये जो वीत भयक राग भय क्रोध वास्तव में हमें एक भौतिक तरीके का विचार हमारा माइंड में रखेगा वे गोट टू कंटिन्यू अवर मेटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ सो प्रभुपा जी बोलते हैं हमें इससे बचकर रहने के लिए हमें एक आध्यात्मिक अधिकृत गुरु के मार्गदर्शन में फॉलो ए बोनोफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड फॉलो द डिसिप्लिन एंड रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो हमें एक बोनोफाइड गुरु जो रूल्स रेगुलेशन देते हैं जो नियम देते हैं उसे बहुत निष्ठा से हमें फॉलो करना है आध्यात्मिक जीवन का भक्ति जीवन का शुरुआत करना है इस तरीके से तो इन तीन तरीके के जो लोग हैं हमारे जो बीच में नहीं समाज में उस उनसे हम बच सकते हैं वी नॉट बी वन ऑफ देम बिकॉज वी आर ऑलरेड वी वेर वन ऑफ देम बिफोर नाउ आफ्टर कमिंग टू शिलार वी आर प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस

ये बात है दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच प्रोपर एक्सप्लेन्स राइट इज व्हाट कृष्णा प्रोपर इज एक्सप्लेनिंग हियर एंड द ये भक्ति का जब आचरण करेंगे धीरे धीरे हां एक योगी गुरु के मार्ग मार्गदर्शन मार्ग में तो वी विल अटेन द स्टेज ऑफ मद भावम भगवान इधर बोलते हैं मद भाव यानी कि भगवान के प्रति शुद्ध भगवत प्रेम जागृत करना तो हमें प्रभुपा अभी इधर

साधका प्रेम न प्रादुर्भावे भवे क्रम तो इधर पे रूप गोस्वामी हमें स्टेप बाय स्टेप जो है भक्ति का प्रोसेस बता रहे इन द बिगिनिंग भक्ति शुरुआत होता है हमारा श्रद्धा से श्रद्धा भावना से श्रद्धा यानी कि भगवान कृष्ण के भक्ति पर हमारा पूर्ण तरीके से हमारा जो अचल श्रद्धा श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म कैल सर्वकृत के जो ऑथर है कृष्णदास कविराज गोस्वामी वो बताते हैं श्रद्धा का परिभाषा बताते हैं श्रद्धा इज दट विच यू हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रांसेंडेंटल बिलीफ फेथ जस्ट बाई परफॉर्मिंग भक्ति टू कृष्णा माई लाइफ इज परफेक्ट केवल भगवान के शुद्ध भक्ति करने से भगवान का भक्ति भ, हमारा जीवन भगवान के प्रति शरणागत होने से मेरा जीवन सार्थक हो, हो जाएगा ये श्रद्धा इसको बोलते हैं श्रद्धा क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे चीजों के प्रति हमारा श्रद्धा है ओ इफ आई अर्न लॉर्ड ऑफ मनी बिकम ए बिग मैन इफ आई डू दैट इफ आई डू दिसप्पी बट एक्चुअली नन ऑफ दीज थिंग्स कैन गिव यू हैप्पीनेस आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान ही बोलते हैं, हैं दूसरे अध्याय में कि जब हमारा अटैचमेंट अट्रैक्शन भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा हो जाएगा भोग तया प्रसाद चेतसा सेकंड चैप्टर में फोर्टी फोर्थ वर्ष में भगवान बोलते हैं कि जब हमारा माइंड जो है मन जो है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम भोग भोगल एंजॉयमेंट भौतिक सुख आस्वादन करना इंद्रिय सुख राइट भोग ऐश्वर्य ऐश्वर्य मीन्स ऑपुलेंस जब हमारा मन भोग ऐश्वर्य के प्रति इतना राग हो जाता है उसको इतना अटैचमेंट हो जाता है प्रसक्ता नाम भगवान बोलते हैं दो और टू अटैच इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है तो भगवान बोलते हैं तया अभृत चेतसाम उनका

ठीक है इट इज अ पॉइंट सो वेरी नाइसली रोबो द फर्स्ट पॉइंट हमारा भक्ति जीवन का पहला जो प्रारंभिक चीज है हमें uh, भक्ति के बारे में थोड़ा बहुत श्रद्धा श्रद्धा लिटिल इंक्लिनेशन टूवर्ड्स गुड फॉर मी गुड फॉर माई लाइफ अभी लोग क्या सोचते हैं भौतिक चीजें मुझे बहुत अच्छा है मुझे आनंद देगा ऐसे करने से अच्छा रहेगा ऐसे है, सोचते हैं लोग श्रद्धा रियल श्रद्धा मीन्स वन यू हैव वंस यू हैव डेवलप्ड अटैचमेंट टूवर्ड्स कृष्णा

To with who are तो भगवान परमात्मा के रूप में अंदर में बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं वो हमें उन तरीके लोगों से मिलवाते हैं उनसे जो है हमारा संघ कराते हैं आदो श्रद्धा तथा साधु संघ साधु संघ हो जाता है हमारा साधुओं so, से आप चाहते हैं कि मुझे भक्ति करना तो भगवान हमें भक्तों का संग कराते हैं आप चाहते हैं नहीं मुझे भक्ति नहीं करना कुछ दूसरा काम करना है तो भगवान उनसे भी मिलाते हैं ये भगवान का परमात्मा का कृपा है सर्वस्व चाह दिस नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम श्रद्धा नेक्स्ट स्टेज इज साधु संगा नेक्स्ट स्टेज वन बिकम्स इनिशिएटेड बाय एन एलिवेटेड स्पिरिचुअल मास्टर आदो श्रद्धा अतः साधु संगा भजन क्रिया भजन क्रिया मीन्स वेन यू असोसिएट विधु साधु से हम जब असंग संग करते हैं साधु क्या बोलते हैं आप भगवत गीता पढ़िए हरे कृष्ण जाप कीजिए प्रसाद लीजिए मंदिर में आइए आप फेस्टिवल कीजिए ऐसे साधु संग साधु यही बोलते हैं दूसरे कुछ चीजें नहीं बोलते हैं साधु नहीं बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है इस, इस, में क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में क्या हो? ये सब बात नहीं करते हैं वो लोग केवल साधु बोलते हैं कि आप भगवत अध्ययन कीजिए आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़िए ये बात बोलते हैं तो साधु संघ साधु संघ बोलते क्या होता है कि आप चाहते हैं कि हाँ मुझे और सीरियसली लेना है तो आप दीक्षित होना चाहते हैं और और सीरियसली फॉलो करना चाहते हैं उसको बोलते हैं भजन क्रिया और जब भजन क्रिया हो जाता है तो क्या होता है आगे अंडर इस इंस्ट्रक्शन डिवोटी प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस आप भी फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर करना जो है आप शुरू कर लेते हैं जब करना जैसे आपका सब लाइफ में आपने अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं इस तरीके से आप फॉलो करना चाहते हैं सीरियसली श्रद्धा साधु संगा उसके बाद गाइडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर वन बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल मेटल अटैचमेंट अनर्थ निवृत्ति होता है अनर्थ निवृत्ति यानी कि मन में बहुत सारे जो जो भौतिक विचार हैं भौतिक आकर्षण है वो सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगते हैं उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति इस तरीके से भक्ति और करते जाने से हमारा मन का शुद्धिकरण होता है और धीरे धीरे क्या होगा आदो श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया निष्ठा हमें और अच्छी तरीके से भक्ति करने के लिए थोड़ा निष्ठा यानी कि उसके बाद निष्ठा होने के बाद हमें रुचि आ जाएगा डेवलप्स अ टेस्ट फॉर हियरिंग अबाउट सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्णा दिस टेस्ट लीड्स वन फॉरवर्ड टूवर्स अटैचमेंट फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें भक्ति के प्रति बहुत भक्ति करने के लिए और रुचि आएगा अभी हमारा भौतिक रुचि है सेंस भोग रहेगा तो बहुत रुचि रहेगा हमारा तो भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगा विच इज मेच्योर्ड इन भावा धीरे धीरे जब हमारा रुचि बढ़ेगा तो भगवान के भक्ति के प्रति हमारा आकर्षण ज्यादा होगा आसक्ति ज्यादा होगा आसक्ति ज्यादा हो गया तो ये भावा भाव में परिवर्तित हो जाएगा विच इज मेच्योर्ड इन भावा परिपक्व हो जाता है भाव में यही बात भगवान बोल रहे हैं मत राइटम मेच्योर्ड इन भाव और स्टेज ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव ऑफ कृष्णा रियल लव ऑफ गॉड इज कॉल्ड प्रेमा जब भगवान के प्रति हम वास्तव प्रेम जागरण करेंगे उसको बोलते हैं कृष्ण प्रेमा जो भक्ति के बहुत सर्वोच्च स्थिति है स्टेज है स्टेज ऑफ़ ऑफ़ लाइफ सर्विस इज कॉल्ड प्रेमा लाइक so स्टेप like बाय स्टेप श्रद्धा संग भजन क्रिया अनिवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति

भग, भगवान के भक्ति में हमेशा हम लगे रहते हैं तो यही जो स्टेज है वृंदावन वासी ना, जो भगवान कृष्ण के लीला में जब वृंदावन वासी देखते हैं गोपी गोपिया नंद महाराज यशोदा सभी जो भग, भगवान कृष्ण के जो मित्र थे वो सब इस स्टेज में थे प्रेम प्रेम स्टेज में थे भगवान के कृष्ण प्रेम यानी कि ये स्टेज में थे कॉन्स्टेंटली हमेशा भगवान के सेवा में लगे रहते थे ठीक है

उसे हम हासिल कर सकते हैं दस देन वन कैन अल्टीमेटली अटेन टू द बोर्ड ऑफ सुप्रीम लॉर्ड सी ये जो श्लोका है इसका जो मीनिंग है प्रोपर समझा रहे हैं इधर ये वास्तव में नाइन्थ श्लोका से कनेक्टेड है भगवान ने बोल दिया कि केवल भगवान के बारे में जानने से तत्वतः हम भगवत धाम जा सकते हैं तो इधर भगवान और एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं इधर हम किस तरीके से भगवत धाम जा सकते हैं जब हमारा भौतिक संसार में राग द्वेष क्रोध इनसे हम दूर रहेंगे इसको छोड़ देंगे और भगवान का आश्रय यानी कि शुद्ध भक्त का आश्रय लेंगे और जो शुद्ध भक्त बोलते हैं उसे ठीक तरीके से हम उसको फॉलो करेंगे तो हम भगवान के शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ सकते हैं और भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और अल्टीमेटली भगवत धाम जा सकते हैं सो टेंथ वर्स इज एक्सप्लेनेशन ऑफ वट इज गिवन इन द नाइन्थ वर्स वक्सप्लेन इन द नाइन्थ वर्स

थिंग्स आर ऑल वेरी क्लियर भगवान सब कुछ हमें उपलब्धि कराया है के भग, को भगवान ने दिया है वो सारे जो वेद शास्त्र वेदांत भागवत सब कुछ भगवान ने दिया है स्वयं भगवान आके भगवदगीता को उपदेश दिया हमने उन्होंने हमको और जब हम सीरियस हो जाते हैं भक्ति में तो भगवान हमें और मार्गदर्शन देंगे परमात्मा के रूप में एक योग्य गुरु के पास लेके जाने के लिए इतना सारा जो फेसिलिटीज भगवान ने किया

फिनोमिना इज हैपनिंग एक विज्ञानी को इस भौतिक संसार के सभी गतिविधियों का ठीक से विश्लेषण करके किस तरीके से सब कुछ हो रहे हैं? इसका इसका मूल कारण क्या है उसको ढूंढना है इस तो सर्च आउट रियल रियल गीता में भगवान आगे बोलते हैं कि वासुदेव सर्वमिति भगवान वासुदेव सब कुछ कारण के जो मूल कारण वही है सर्व कारण कारण वास्तव में सब लोग भगवान की खोज में है अलग अलग स्वरूप में खोज में है जैसे निराकारवादी सोचते हैं कि वास्तव में सब कुछ निराकार है निराकार ब्राह्मण है निराकार ब्राह्मण क्या है भगवान आगे बताएंगे फोर्टीन चैप्टर में ब्रह्म नो प्रति भगवान बोलते हैं कि ये निराकार ब्राह्मण है वास्तव में उनके शरीर से निकलता हुआ तेज है ब्रह्म ज्योति ऑफ लॉर्ड कृष्णा एफ कमिंग आउट ऑफ इस बॉडी So, निराकर वो फाइनली गोइंग टू कृष्णा ओनली और बोध तत्व जो भगवान ने प्रचार किया बौद्ध तत्व बुद्ध कौन है लॉर्ड बुद्धा इज फाइनली लॉर्ड कृष्णा भगवान के अवतार थे और भगवान ने एक एमरजेंसी सिचुएशन में आके अपना अवतार में ऐसा आदेश दिया कि मैं वेद को नहीं मानूंगा और उन्होंने रिजेक्ट किया और बोलने लगे की मुझे फॉलो करो तो इनडायरेक्टली पीपल आर ऑल फॉलोइंग लॉर्ड कृष्णा ओनली एज लॉर्ड बुद्धा

साक्षात्कार करने में लगे हुए लॉर्ड इज इटेड एस परमात्मा इन एवरीबडीज हार्ट तो योगी टू रियलाइज कृष्णा एस परमात्मा ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा ब्रह्मा जी बोलते हैं कि अंडातरस्थ परमाणु जयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी भगवान अपने परमात्मा स्वरूप में अणु में प्रवेश कर चुके हैं और हर जीवात्मा के हृदय में है और इस तरीके से पूरा संसार को वो मेंटेन कर रहे हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा जी बोलते हैं सो रियलाइज कृष्णा कृष्णा एज परमात्मा बट इज ओनली प्योर डिवोटीज रूपा जी बोलते हैं कि भगवान को पूर्ण तरीके से वो परमात्मा भी है वो निराकार ब्राह्मण ही वे ब्राह्मण भी है और सभी शक्तियां जो निराकार शक्तियां जो चल रही हैं सब कुछ भगवान ही है केवल उनके शुद्ध भक्त ही जान सकते

So, विश्लेषण करेंगे तो सब लोग भगवान कृष्ण को ही चाहते हैं सत्य को right? so, राइटा जी आगे हमें शुद्ध भक्त किस तरीके से भगवान के भक्ति में रहते हैं और भगवान के आश्रय में आएंगे उसके बारे में समझाएंगे we'll discussion in the uh, in the next session so I will take a few questions now yeah. last, time. last. which okay. questions aaye hain hum questions ko abhi answer karenge first question hai uh, once reaching spiritual world is there any possibility to be uh, come here again due to our mistake very good question uh, वैसे हम भौतिक दुनिया दुनिया को छोड़कर हम आध्यात्मिक लोग चले जाएंगे तो फिर से हम इधर आएंगे क्या गीता में तो भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि हम आएंगे नहीं राइट वी आर नॉट गोइंग टू कम बैक अगेन बहुत सारे ऐसे श्लोक गीता में भगवान बोलते हैं कि हम वापस नहीं आएंगे विशेषकर फिफ्टीन चैप्टर में एक श्लोका है भगवान बोलते हैं यद गा निवर्तन्ते तद धाम राइट वन हु रीचेस इट नेवर रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड राइट सो इट इज अश्योरेंस फ्रॉम कृष्णा दैट विल नॉट कम बैक

हम किस तरीके से इस भौतिक संसार में गिरे हैं और किस तरीके से इधर भौतिक संसार में आ गए हैं। जी बोलते हैं, really अभी किस तरीके से हम इधर गिर गए हैं, उसका कोई उसका कोई हम रीजन ढूंढ नहीं सकते हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट नोस हाउ एवर हाउ एक्चुअली टू प्लेस इंटरेस्टिंग थिंग प्रोपा चैप्टर ऑफज Okay. One more, one more uh, right भव सागर में, तो में गिर गए हैं तो भव सागर से भव सागर में कैसे गिरे हैं किस तरीके से गिरेइज करने से बदले हम भगवान के भक्ति आचरण करके भगवत दाम चले जाएंगे प्रभुपात जी बोलते हैं न? भगवान हमें उधर समझा देंगे किस तरीके से हम गिरे परंतु तो यह आश्वासन है भगवान से भगवान से गीता में बहुत सारे बहुत बहुत जगह पे भगवान हमें समझाते हैं कि एक बार हम भगवत धाम पहुंच गए तो फिर से हम इधर वापस नहीं आएंगे क्योंकि देन वी हैव रियलाइज आवर मिस्टेक व्हाट वी हैव डन एंड व्हाई वी हैव फॉलन हियर ओके देन आईज क्वेश्चन नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन ओके दिस क्वेश्चन इज आई डोंट वांट

उस स्टडीज होगा कुछ अपने रेगुलर ड्यूटीज होंगे उसके प्रति मेरा आकर्षण नहीं है ये ये मेंटालिटी ये जो थिंकिंग है जो विचार है ठीक है ठीक नहीं है तो गीता में भगवान स्पष्ट बोलते हैं जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं तो हमारे भौतिक कर्तव्यों को हमें करना ही है वी हैव टू डू आवर मटेरियल ड्यूटीज इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर सिचुएशन इट इज राइट एंड आल्सो साइमटेनियसली कैरी आउट आवर यही बात भगवान अर्जुन को समझाते हैं।, तो हैं अर्जुन को कि अर्जुन शुड ऑलवेज थिंक ऑफ मी हमेशा मेरा स्मरण करो और साथ ही साथ अपने कर्तव्य भी करो तस्मा सर्वेशु मनुस्मर युद्ध च

हमें ड्यूटीज को डिटैच मूड में करना है यानी कि यस एज ए जस्ट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी मीन्स कर्तव्य के हिसाब से मुझे जो करना है करूंगा इस लाइक बॉडी का रिक्वायरमेंट्स है मुझे वी हैव हैव टू टू टेक टेक फूड केयर ऑफ द बॉडी राइट बॉडी के नॉट निग्लेक्ट इट्स द रिक्वायरमेंट्स राइट सो इट 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 हैव टू डू डू एज अ ड्यूटी किस तरीके से करना भगवान सिक्स चैप्टर में समझाते हमको सिक्स चैप्टर में

तो आसक्ति से पहले जो स्टेप्स हैं वो फॉलो कर रहे हैं आप उस उस लेवल तक आ गए हैं हमें थोड़ा uh, सोचना हैल्डर यस वी शुड रिमेन ए हाउस होल्डर एंड ऑल्सो डू भक्ति वे कृष्णा एसिंग भक्ति सीरियसली You know, as you know, everybody has a time, limited time of 24 hours, we have to schedule our Bhakti process also seriously. Now, in such a way that gradually, as Prabhupada says, gradually we will come to this stage of different stages of progress of Bhakti. We should not abruptly jump and say, I don't want to do this. Krishna very clearly denied such things in the third chapter. Right? In third chapter, verse number four, Krishna very clearly says that, na karmanam anarambha purusho the Lord says, not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction. As a duty, what you are supposed to do, you should be doing. Now, we are talking about the highest level of attachment at a particular stage of advancement in bhakti. So, if you abstain yourself from doing any work right now, it is not that you will be free from reaction. You have to do your duties as a important aspect in our life right now. This is my answer to your question. Uh, basically, we cannot show any symptoms of advanced devotion simply as a matter of showing. Uh, yes, if it has generally developed as an advanced stage of devotion, there are so many other uh, things to verify. Yes, I have come to the stage of advanced devotion. There are Vaishnavas, there are devotees. Please, uh, you know, uh, meet them, have Sangha with them. Uh, we can always uh, understand what stage of devotion one is in, but simply ourselves uh, thinking that I am advanced very much now. No, I did not do anything. This you take a decision that is not the proper one. We have to go through a proper system of spiritual uh, process. As Swamibabu says, we have to execute the uh, spiritual life under proper discipline with regulative principles under the direction of a bona fide spiritual master. Spiritual life is not simply a matter of imagination or uh, speculation or uh, no, I, I think so. No, there's nothing like think so or realization anything. It's a very clear scientific process which is pro which if you follow under the direction of a bona fide spiritual master, very clearly the directions are given. Symptoms also are given. Right. So some symptoms need not be. You know, like uh, we do not express or justify that. Oh, I am so and so. That will be identified in you by the in the process by other Vaishnavas, other devotees, spiritual Master Srila Prabhupada will bless us. That is the thing. Okay. I hope I, I, hope I have answered your question. Yes. I think there is one more question. I'll just take. Okay. Um, if uh, birth and death for the particular soul is fixed by the God before sending into this material world, is a question. जंतुदेहोपत् <coughs> okay. yes, uh, the, the भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि कर्म के आधार पर हर जीवात्मा के नहीं? Uh, भगवान के निर्देशन पर भौतिक प्रकृति उनको एक शरीर देगा शरीर देगी और इस तरीके से उनका जीवन चलेगा सो इन दट वे फॉर अ ऑर्डिनरी पर्सन इज बर्थ एंड इज दिसम एज फॉर कैन इंटरवीन इन द कर्मा कैन एक्सटेंड और कैन रिड्यूस डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग ऑन कृष्ण बिकॉज कृष्णास्ड्स टू कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम इट इज लेफ्ट so with devotees krishna takes care uh, uh, in his hand whereas for ordinary conditioned souls it is already destined birth and death is destined whereas for pure devotees it is completely under krishna's control they have come for uh, come to this material world based on uh, krishna's desire to participate in his Leela okay i think already we are overshooting the time any other questions are there i will take it up in the next session thank you for participating in today's session we continue uh, continue with the discussions again so we will uh, uh, meet you in the next session again thank you Hare Krishna.